फिर वो देखते हैं कि जिस आदमी ने उन्हें बचाया वो DPW का एक एजेंट है और वो उन्हें बताता है कि वो बुकलैंड की मौत में बिल्कुल शामिल नहीं था। और वहीं इधर वो डायनासोर जो वैन पर अटैक कर रहा था वो वहाँ से चला गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर वैन शीशा तोड़कर बाहर आता है और बाकियों को भी निकालता और वो सभी पानी से बाहर आ जाते हैं। पर वो ऊपर आकर देखते हैं कि DPW वाले अब भी उनकी तलाश कर रहे हैं, तो वो तीनों छुप गए थे। वहीं वो कार वाला आदमी ड्रेसेस और कैंजी को बताता है कि वो DPW के लिए उनका ट्रक चलाता था। एक दिन उसे नाइट की ओवरटाइम जॉब मिली, काम ज्यादा मुश्किल नहीं था इसलिए उसने काम ले लिया। पर एक फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद वो आदमी नोटिस करता है कि आज डायनासोर काफी अलग बर्ताव कर रहा है। तभी उसके ट्रक का लॉक अपने आप ही खुल जाता और वो डायनासोर बाहर आ जाता है। इससे डरकर वो आदमी झाड़ियों में छुप जाता है। तभी वो आदमी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनता है, पर वो डर की वजह से कुछ कर नहीं पाता। कुछ देर के बाद वो आदमी चेक करने जाता और बहुत सारा खून पड़ा हुआ देखता है।